Hello, good morning guys. This is your mentor Rajin and I welcome you all on your own YouTube channel Quantumatics. आज जिस particular type of question को लेके मैं आपके सामने आया हूँ, मैंने heading रखा है उसका commission based question, class number 6 से आज percentage का. और जिस टाइप के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज के क्लास में, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर जरा देर पॉज कर लो, देख लो, पढ़ लो, समझ लो, ताकि इस क्लास के बाद आपको ये समझ में आ जाए कि किस टाइप के सवालों को बनाने में आप महारत हासिल करने वाले हैं आज के क्लास को अटेंड करने के बाद. ऑलराइट, देन लेट्स बिगिन. ठीक है, कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चन के जरिए ही आपके सामने रखूंगा और क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं. देखो आपके स्क्रीन के ऊपर, अ सेल्समैन गेट 12% कमीशन ऑन टोटल सेल मेड बाय हिम प्लस ए बोनस ऑफ 1% ऑन ऑल सेल्स ओवर ₹15,000. इफ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज 7650 रुपीज, फाइंड द टोटल सेल. क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी कंपनी ने अपने सेल्समैन को इस शर्त पर हायर कर रखा है कि टोटल सेल का मैं तुम्हें 12% कमीशन दूंगा, बट अगर तुमने सेल को 15,000 से एक्सीड कर दिया, आया बात समझ में, मतलब पहला 15,000 तक 12% तो मिलेगा ही, 15,000 के जहां ज्यादा बेचेगा, जितना ज्यादा अमाउंट वो सेल कर पाएगा, उस पर्टिकुलर अमाउंट पे 12% तो मिल ही रहा था, साथ ही साथ 1% और अधिक मिलेगा. और इस तरह से सेल्समैन की कुल कमाई किसी एक पर्टिकुलर सेल पे है ₹7650. आपको बतानी है टोटल सेल कितने की है. तो कहानी को मैं लिखूं अगर डायग्रामेटिकली कुछ इस तरह से कि एक सेल्समैन है, सपोज करो उसने इस अमाउंट ऑफ सेल को किया है अचीव, तो बोला क्या है इसने कि पहले 15,000 तक उसे 12% का कमीशन मिलेगा, तो यहां से यहां तक 12% क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट मैं अपने सुविधा के लिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहा हूं. फिर और जिस अमाउंट से एक्सीड करेगा, 15,000 से जितना ज्यादा बेचेगा, वहां पे उसे 12% तो मिल ही रहा था, 1% और अधिक मिलेगा, यानी कि 13% मिलेगा. क्लियर हो रहा है बात. ट्रेडिशनली मैं करता हूँ एक बार ताकि करने के कॉन्सेप्ट को ही आप समझें, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि कैसे इसको और बेहतरीन ढंग से किया जा सकता है. कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप ट्रिक कह ले, अगर इसे ट्रिक तो नहीं पसंद करता हूँ मैं, ट्रिक कह ले भी अगर इसे आप, तो ट्रिक आप तभी समझ पाएंगे जब कॉन्सेप्ट आपका मजबूत है. तो मैं ये मान लेता हूँ भाई कि ये जो टोटल सेल है यहाँ से यहाँ तक वो एक्स रुपीज, यानी कि सेल्समैन का जो कमीशन है उसको अगर मैं कैलकुलेट करने लगूं तो दैट विल बी 12% ऑफ 15,000 प्लस टोटल सेल एक्स का पहला 15,000 के बाद ये जो अमाउंट है वो कितना हो रहा होगा, एक्स माइनस 15,000, और इस पे उसे मिल रहा है 13%, यानी कि मैं लिख सकता था 13% ऑफ दिस. क्लियर. और ये जो कमीशन है सेल्समैन का वो है 7650. सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है. अगर इन दोनों को पहले मैं ऑपरेट करूं तो आप एक बात को समझो, 12% ऑफ 15,000 माइनस 13% ऑफ 15,000, यानी कि माइनस 1% ऑफ व्हाट 15,000, आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. और बचा क्या, x का 13%, यानी कि 13% ऑफ x. क्लियर हो रही है बात. एंड दिस इज इक्वल टू योर 7650. That means 13% of X minus 1% of 15,000 will be 150. And this is your 765. अगर मैं इस 150 को इधर लेके चला जाऊं, तो
तो बचेगा 13% ऑफ x इक्वल टू 7650 प्लस 150 यानी कि 7800। तो अगर 13% ऑफ x 7800 है तो आप 100% निकालो चाहे x निकालो, दैट मींस द टोटल से एंड दिस विल बी 7800 इनटू 100 बाय योर 13। दैट मींस 13 इसको रिड्यूस करेगा 6 टाइम में और उसके बाद आपको 4 जीरो लगाने हैं, इतने रुपया का टोटल सेल। क्लियर? आई होप आप इस ट्रेडिशनल मेथड को समझे होंगे। उसके बाद आइए हम बात करते हैं कि कैसे हम इसे बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकते। फिर से मैं इस डेटा को लिख रहा हूं, ऐसा कुछ कहानी था हमारा कि पहला 15,000 पे 12% का कमीशन और उसके बाद जितने का भी सेल किया है यानी कि 15,000 से जितना अधिक सेल किया है उस पर्टिकुलर अमाउंट पे 13%। तो ये तो क्वेश्चन का कहानी है। अब हम कुछ बातें एज्यूम करें, अगर कि भाई मैं अगर इस कंपनी का ओनर होता तो मैं इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना करता, कंफ्यूजन इन द सेंस कि कुछ दूर तक 12% फिर 13% ऐसा ना करता, मुझे कैलकुलेशन में भी आसानी हो, मैं एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ कमीशन अस्यूम करता कि आओ सेल्समैन तुम्हें मैं जितने भी अमाउंट का बेचोगे उतने अमाउंट पे इस पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ कमीशन दूंगा। तो इधर मैं 12% मान लूं अगर या मैं 13% मान लूं, किसको अस्यूम करने से सुविधा होती है पहले इस बात को देखिए। अगर मैं यूनिफॉर्म 12% कमीशन एज्यूम कर लूं, मैं ये मान के चलूं कि ना इस तरह से नहीं बल्कि होल टोटल अमाउंट ऑफ सेल पे 12% का कमीशन सेल्समैन को मिलने लगे, ये मैंने मान लिया। बट हकीकत में क्या होता है उसके साथ जरा कंपेयर करें अगर, तो आप देखो इस पर्टिकुलर यानी कि पहला 15,000 तक तो सेल्समैन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी उसे 12% मिलता था और मैंने भी जो माना है उसमें भी 12% मिल रहा है। बट 15,000 से जो एक्सीडेड अमाउंट है उस पे देखो जरा, हकीकत में सेल्समैन को 13% मिल रहा है मगर मैंने मान लिया है 12% यानी कि सेल्समैन को 13% के जगह 12% मिलने लगेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि सेल्समैन को कमीशन में 1% का नुकसान होने लगेगा, कब? जब मैं 12% यूनिफॉर्म रेट ऑफ कमीशन देने लगूंगा। बट ये 1% किस अमाउंट का? ये 1% यहां से यहां तक वाले अमाउंट का जो ऑलरेडी मिसिंग है। यानी कि अगर मैं ये पूछने लगू कि 1% लॉस होगा सेल्समैन को, ये बात तो मैं समझ रहा हूं मगर अमाउंट में बताओ ना कितना का लॉस होगा, तो मैं ये नहीं कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि इस अमाउंट के बारे में वो कितना है वो डेटा में हमें मालूम ही नहीं है और इसी अमाउंट का 1% के बराबर का नुकसान है तो जो हम निकाल ही नहीं सकते। यानी कि हमने अभी देखा कि 12% यूनिफॉर्म सपोज करके या अज्यूम करके हमें कोई फायदा नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे इसको अब हम 13% अज्यूम करने लगेंगे। अब देखो 13% अगर अज्यूम करने लगे तो यहां से यहां तक जो एक्सीडेड अमाउंट है यानी कि जो एक्स टोटल अमाउंट ऑफ सेल माइनस 15,000 वाला अमाउंट है वहां तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हकीकत में भी 13% मिल रहा है और मैंने भी 13% अज्यूम किया। फर्क किस जगह पे पड़ेगा? इस जगह पे। हकीकत में मिल रहा है 12% और मैंने अज्यूम किया है 13% यानी कि सेल्समैन को 1% एक्स्ट्रा चला जाएगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने लगेगा। क्लियर हो रहा है? और किसका 1%? तो इस 15,000 का 1%। क्या हम इसे अब डेटा में बता सकते हैं कि सेल्समैन को कमीशन के तौर पे अगर 13% मिल रहा होता इस तरह से ना मिलने के बजाय तो कितने अमाउंट का प्रॉफिट होता? सेल्समैन का कमीशन तो ऑलरेडी गिवन है इस केस के अकॉर्डिंग 7650 रुपीज, मगर इस केस के अकॉर्डिंग मुझे ये पता चल रहा है कि 7650 प्लस कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। 1% किसका? तो 15,000 का। यानी कि अगर मेरा assumption के हिसाब से कंपनी
सेल्समैन को कमीशन देने लगे तो ना सिर्फ उसे 7650 मिलेगा बल्कि 1% ऑफ 15,000 यानी कि 150 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। आई बात समझ में? यानी कि अब आइंदा हम इस तरह से नहीं खोजते फिरेंगे कि किसको हम यूनिफॉर्म रेट ऑफ कमीशन एज्यूम करें, बल्कि हम ये कॉन्सेप्ट यहां से डेवलप कर लेंगे कि हम जब एज्यूम करने की बारी आएगी तो उस परसेंटेज को एज्यूम करेंगे यूनिफॉर्म रेट ऑफ कमीशन के हिसाब से जो या जिसका डेटा मिसिंग है। 13% जिस डेटा पे कमीशन है उसका डेटा ही मिसिंग है, तो इसीलिए हम यूनिफॉर्म रेट ऑफ कमीशन किसे एज्यूम करेंगे? 13%। तो इससे क्या होगा, हमें ये जो डिफरेंस ना सिर्फ परसेंटेज में पता चलेगा बल्कि डेटा में भी पता चलेगा कि डेटा 15,000 का 1% एक्स्ट्रा यानी कि 150 रुपए सेल्समैन को अधिक जा रहा होगा। और यही से हम ये समझ सकते हैं कि अगर इस तरह से नहीं मिलता, अगर सेल्समैन को 13% कमीशन मिलता तो सेल्समैन का 13% कमीशन का मतलब 7800 होने लगता। एक झटके में आप कहां पहुंच चुके हो, देखो इस लाइन पे पहुंच चुके हो। आया बात समझ में? तो भाई अगर 13% होता तो 7800 होता। मैंने देने के लिए थोड़ी बोला, मैंने ये मान लिया यानी कि 100% दैट इज टोटल सेल कितना हो रहा होता, टोटल सेल 7800 बाय 13 इनटू 100 That is, ये तो हम कैलकुलेट पहले भी कर चुके हैं, हमें अब ये समझने भर की तो इतनी दिक्कत तो होगी नहीं। तो 60,000 का सेल, क्लियर? तो आइए फटाफट से एक दो वैरायटी के क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं। और ये कॉन्सेप्ट अगर इस मोमेंट पे आपको समझ में नहीं भी आई होगी ना, ट्रस्ट मी, एक दो क्वेश्चन और देखने के बाद आप चुटकियों में सोचने लगेंगे और बनाने भी लगेंगे। क्लियर? बढ़े आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, बोल रहे कि सेल्समैन गेट 5.5% कमीशन ऑन टोटल सेल मेड बाय हिम प्लस अ बोनस ऑफ 0.5% ऑन ऑल सेल्स ओवर रुपीस 10,000। इफ हिज टोटल अर्निंग वेयर 1919 देन हिज टोटल सेल इन रुपीस वेयर। फटाफट से कहानी को लिखते हैं कुछ इस तरह से। तो सपोज करो इतने का सेल, पहला 10,000 रुपया पहले 10,000 रुपीज तक कितने का कमीशन है भाई, तो 5.5% यहां से लेकर और फिर यहां से लेकर यहां तक जो एक्सीडेड अमाउंट है उस पे 0.5% एक्स्ट्रा यानी कि 5.5 प्लस 0.5 तो 6%। इफ ही टोटल अर्निंग यानी कि इस तरह से सेल्समैन को चला जाता है कितना, रुपीज 1990 देन टोटल सेल वेयर। फिर से समझो कहानी को कि भाई 5.5% पहला 10,000 तक जितना एक्स्ट्रा बेचेगा उस पे 6% और इस तरह से अगर कमीशन बांटा जाए तो 1990 रुपया सेल्समैन को गया। बट मैं ये एज्यूम कर लूंगा लेट कि इस तरह का ना हो भैया, कोई एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ कमीशन अगर होता तो मैं किसको एज्यूम कर रहा होता शुरू से लेकर अंत तक का सेल को, 6%। बोलो हाँ या ना। अभी अभी हमने सीखा प्रीवियस क्वेश्चन में कि हम यूनिफॉर्म उसे मानेंगे जिसका डेटा मिसिंग है। तो अगर 6% हो रहा होता तो आओ कंपेयर करो जरा, यहाँ इस सेल पे कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं, 6% हकीकत में भी मिल रहा है और हमने भी 6% माना, मगर ये जो एरिया है इस जगह पे सेल्समैन का कमीशन में फर्क आ रहा होता। कैसा फर्क आता? हकीकत में मिल रहा है 5.5% बट मैंने माना हुआ है 6%, यानी कि मेरे मानने के अनुसार अगर मिलता सेल्समैन को कमीशन तो 0.5% एक्स्ट्रा मिलने लगता। बोलो भाई यार, किसका 0.5%? तो 10,000 का। तो सोचो 10,000 का 1% होता है 100 तो 0.5% होगा 50 रुपीज। क्या होता, सेल्समैन का कमीशन में ये ऐड हो जाता क्योंकि एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि जिस हिसाब से मिल रहा है ओरिजिनली उस हिसाब से 1990 रुपया मिलता, बट मैंने जैसा मान लिया उस हिसाब से सेल्समैन को अगर मिलता तो ना सिर्फ 1990 मिलता बल्कि 50 रुपीज एक्स्ट्रा मिलता, यानी कि कितना, 2040 रुपीज का कमीशन मिलता सेल्समैन को। भाई बोलो हाँ या ना।
यानी कि कब 2040 मिलता जब सेल्समैन को कमीशन 6% जा रहा होता। और ये बात समझ में, टोटल सेल दैट इज 100% कितना होता, तो 2040 बाय 6 इनटू 100 दैट इज 3, 4, 8, 2, 3 टोटल 34,000 का सेल था। आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे प्रोसीड करेंगे कैसे क्वेश्चनों को लेकर, ठीक इसी तरह का होगा। बट आप एक चीज गौर करो, अब तक सेल्समैन के अमाउंट पे ही बात हो रही है, अब मैं जो क्वेश्चन आपके सामने लाने जा रहा हूं वहां पे सेल्समैन का कमीशन का परसेंटेज तो दिया हुआ होगा, बट जो डेटा गिवन होगा उस डेटा में आपको दिखेगा कि ये अमाउंट कंपनी का है। अगर सेल्समैन 1990 रहता है खुद के पास, तो कुछ अमाउंट तो वो कंपनी को भी वापस कर रहा होगा ना, आफ्टर डिडक्टिंग दिस कमीशन। तो अगर सेल्समैन को अपना कमीशन काट लेने के बाद जो अमाउंट लौटाना है कंपनी को वो अमाउंट दिया रखा हो, तो वैसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ भी चेंज नहीं होगा, यही चीज होगा। बट हम डील करना सीख जाए इसलिए एक या दो क्वेश्चन मैं कंपनी के अमाउंट में भी लेके आता हूँ आपके सामने। क्लियर? कंपनी का अमाउंट इधर। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास का थर्ड सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा, सेल्समैन गेट 12% कमीशन ऑन टोटल सेल मेड बाय हिम प्लस अ बोनस ऑफ 1% ऑन ऑल सेल्स ओवर ₹15,000। इसी कहानी को हम अपने अंदाज में लिखे हैं। अगर सपोज कर लो भैया इतने का सेल, पहला 15,000 तक सेल्समैन को कमीशन जाता है 12%, और जितने का वो अधिक बेच रहा होगा उस पे 1% का बोनस के तौर पे मिल रहा होगा, यानी कि 12% तो मिल ही रहा होगा, 1% एक्स्ट्रा यानी कि 13%। अब कह रहा है इफ ही रिटर्न रुपीज 52,350 to the parent company after deducting his income, then find the total sale। यानी कि जैसा मैं इससे previous question को खत्म करने के समय बोल रहा था कि अब तक आपको salesman का commission दे रखता था इसके बाद, इस कहानी को बोलने के बाद, but अब आपको क्या दिया है कि salesman का नहीं बल्कि salesman अपना commission काटने के बाद company को कितना amount लौटा रहा है, that is given now, यानी कि 52,350 लौटा रहा है सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद अपनी कंपनी को। आपको अब निकालना है टोटल से। आई बात समझ में? थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट को मैनेज कैसे करें ये मैं समझाऊंगा। खैर, डील करने का तरीका अभी भी वही कि हम इस तरह के तिकड़म में ना फंसे कि पहले कुछ हद तक 12% देन 13%। मैं ये सपोज कर लूंगा कि अगर यूनिफॉर्म कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन मिल रहा होता और वो कुछ कितना परसेंट, 13%, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस परसेंटेज को हम लोग यूनिफॉर्म एज्यूम करेंगे जिस परसेंटेज का डेटा मिसिंग है। ठीक है, तो अगर 13% यूनिफॉर्म कमीशन सेल्समैन को जा रहा होता तो क्या फर्क पड़ रहा होता ओरिजिनल केस का अभी वाले केस के साथ? आप देखो इस पोर्शन पे तो, इस पोर्शन के सेल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हकीकत में भी 13% मिल रहा है और हमने भी एज्यूम कर रखा है 13%। फर्क किस जगह पे पड़ेगा? इस जगह। कितने का फर्क पड़ेगा? तो हकीकत में बिल मिल रहा है 12% और हमने एज्यूम कर रखा है 13%, यानी कि कितने का फर्क पड़ेगा भाई? तो आप कहोगे 1% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। किसको? तो सेल्समैन को। 1% सेल्समैन अधिक कमाने लगेगा। किसका 1%? तो 15,000 का। दैट इज सेल्समैन को कितना एक्स्ट्रा जा रहा होगा? ₹150 सेल्समैन को एक्स्ट्रा जा रहा होगा। यानी कि सेल्समैन को हकीकत में जितना मिल रहा था उसी को काटने के बाद ना वो 52,350 लौटा रहा था। बट अगर अब मैं ये एज्यूम कर लूं कि सेल्समैन को 12 और 13 नहीं बल्कि यूनिफॉर्म 13% कमीशन मिल रहा होता, तो सेल्समैन, मैं इस डेटा को फिर यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यही पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस अमाउंट से भी उसे ₹150 एक्स्ट्रा मिल रहा होता। तो
अब आप जरा सा बुद्धि लगाओ कि जितना मिल रहा था उससे अगर 150 सेल्समैन को और अधिक मिलने लगे तो कंपनी को अब इतना थोड़ी वापस जाएगा, कंपनी का इनकम भी 150 रुपए से डिक्रीज हो रहा होगा। बोलो हाँ या ना। सपोज करो 1000 रुपए का टोटल सेल है और सेल्समैन इससे रख रहा है 200 रुपीज, तब कंपनी को कितना लौट आ रहा होगा? वो 1000 में से 200 का सेल था, 200 उसने खुद रख लिया, तो कंपनी को जरूर लौट आ रहा होगा 800 रुपीज। बट अब मैं अगर कहूं कि सेल्समैन को किसी वजह से 50 रुपया एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा तो इतना ही अमाउंट इससे कम होने लगेगा। बोलो हाँ या ना। अगर सेल्समैन को अब 250 तो कंपनी को 750। या मैं यूं कहूं कि सेल्समैन किसी कारण से 100 रुपीज कम रखने लगेगा तो वही 100 रुपीज कंपनी को वापस एक्स्ट्रा जा रहा होगा। तो डेटा में सेल्समैन को ज्यादा मिलना यानी कि कंपनी को उतने से कम मिलने लगना, डेटा में सेल्समैन को 150 रुपया कम मिलना अगर होता ये केस तो कंपनी के अमाउंट में 150 रुपया ऐड होने लगता। ये तो डेटा में बात। अब आते हैं परसेंटेज में बात करें। क्यों? क्योंकि 52,350 - 150 करेंगे तो that will become 52,200 rupees। But ये data percentage में किसके बराबर है? इस बात को भी समझना होगा। बहुत मुश्किल नहीं है समझना, क्योंकि 13% अगर सेल्समैन रख रहा है तो बचा हुआ 87% किसको जा रहा होगा भाई? कंपनी को जा रहा होगा। अगर ये सेल्समैन का डेटा होता तब मैं ये कहता कि 13% is this बट ये डेटा सेल्समैन का है ही नहीं, ये तो कंपनी का है। तो सेल्समैन अगर 13% रख रहा है तो ऑब्वियस है कि कंपनी को 87% जा रहा होगा। यानी कि एंड ऑफ द स्टोरी इज 87% ऑफ द सेल इज इक्वल टू 52,200। टोटल सेल कैलकुलेट करनी है दैट इज 100%। कितना होगा? 52,200 / 87 × 100। क्लियर हो रहा है? सॉल्व करें अगर तो 87 इतना 522 को रिड्यूस करेगा आई थिंक 6 टाइम में। वेरीफाई कर लेते हैं। 7 6 = 42 4 6 8 = 48 + 4 = 52। हाँ ठीक है, तो 6 और 6 के बाद 4 जीरो चिपकाना है, 6 के बाद 4 जीरो, यानी कि 60,000 का टोटल सेल है। क्लियर? तो यही थोड़ा सा ट्विस्ट था जिसको आपने बेहतर ढंग से आई होप समझ लिया होगा। एक सेम इसी टाइप का क्वेश्चन को उठाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा बहुत भी कहीं हल्का सा भी अटक रहा हो वो भी स्मूथ बन जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज के क्लास का फोर्थ सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। अ सेल्समैन कमीशन इज 5% ऑन ऑल सेल अप टू ₹10,000 एंड 4% ऑन ऑल सेल एक्सीडिंग दिस। आज के क्लास का फोर्थ सवाल, एक सेल्समैन का कमीशन तो मान लो इतने का सेल है, कहां तक? तो 10,000। कितना है? 5% यहां से यहां, और इससे जितना अधिक का बेचेगा अब उसे कमीशन मिलने लग रहा होगा 4% एक्स्ट्रा। ही रेमिट्स ₹31,100 टू हिज पेरेंट कंपनी, यानी कि सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को लौटा रहा होगा 31,100 रुपीस। फाइंड द टोटल सेल। तो समझो बात को कि हम अपने हिसाब से अगर ये अज्यूम कर लें कि यूनिफॉर्म 4% कमीशन मिल रहा होता, क्यों 4%? क्योंकि उस पर का डेटा गायब। तो भाई यहां से यहां तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ओरिजिनली हकीकत में भी 4% मिल रहा, मैंने भी 4% माना है, बट यहां से यहां तक फर्क पड़ने लगेगा। इस जगह 5% मिल रहा है ओरिजिनली और मैंने माना है 4%, यानी कि सेल्समैन को 1% का लॉस होने लगेगा। मिल रहा था 5% मिल रहा है और मैंने माना है 4%, तो 1% का लॉस। 1% किसका? 10,000 का। यानी कि कितने का लॉस? डेटा में 100 रुपीस का सेल्समैन को नुकसान हो रहा है। कब? जब सेल्समैन का कमीशन हम 4% मान लें अगर, तो क्या हो रहा है? 1% का लॉस हो रहा है। किसको? सेल्समैन को। यानी कि सेल्समैन को जितना जा रहा था
उससे 100 रुपया कम जाने लगेगा, यानी यही 100 रुपया कंपनी के पास जाने वापस लगेगा, यानी कि कंपनी को कितना, तो 31,200 रुपया मिलेगा। कब? जब सेल्समैन का कमीशन 4% होगा, यानी कि सेल्समैन का कमीशन जब 4% होगा तो कंपनी को कितना वापस जा रहा होगा, तो आप बोलोगे 96%, यानी कि दिस 96% इज 31,200। तो 96% इतना, तो टोटल सेल विल बी 100%, कितना हो रहा होगा भाई, तो 31,200 बाई 96 into 100। रिड्यूस करें अगर 8 12 96, 8 3 times 24 7 8 9, ठीक है। अब ये कटेगा 3 times, तो ये कटेगा 25 times, 3 इसको रिड्यूस करेगा 13 times, 13 into 25 25 75 5 7 25 1 और 7 32 और 2 0, यानी कि भाई मेरे 32,500 का टोटल सेल था। ये आई होप अब इस तरह के क्वेश्चन को तो आप बहुत आराम से संभाल लेंगे, एक या दो वैरायटी इससे और अलग हो तो लेके आते हैं आपके सामने, आप देख दे। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आज के क्लास का नंबर 5th। A company allowed 10% uniform rate of commission on total sale if an employee wants to work on with it on commission basis. अगर कोई सेल्समैन कमीशन बेसिस पे काम करने के लिए तैयार हो तो कंपनी उससे प्रॉमिस करता है मैं तुम्हें 10% यूनिफॉर्म रेट ऑफ कमीशन दूंगा, जितने का तुम सेल करोगे उसका 10%। However, if he choose to be a salaried employee, he could have ₹4,000 as fixed salary plus a bonus of 5% on all sale over ₹20,000. यानी कि अगर वो सेल्समैन सैलराइड एम्प्लॉय की तरह काम करना चाहे तो उसे 4,000 का फिक्स सैलरी मिलेगा और 5% कमीशन भी मिलेगा, बट कब, जब उसने 20,000 से ज्यादा का सेल किया होगा, तो जिस अमाउंट का एक्स्ट्रा सेल करेगा, 20,000 से ऊपर जितने का सेल करेगा उस अमाउंट पे 5% का कमीशन भी मिल रहा होगा अपार्ट फ्रॉम द 4,000 सैलरी। ऑन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल द सेकंड केस गिव्स ₹500 मोर देन द फर्स्ट केस। एक ऐसा सेल निकला जिसपे अगर हिसाब किया सेल्समैन ने कि मुझे कौन सा रास्ता चूज करना ज्यादा बेहतर रहेगा, मैं कमीशन बेसिस पे जाऊं यानी कि 10% यूनिफॉर्म रेट ऑफ कमीशन या सैलराइड पर, उसने जब ये कैलकुलेशन करी तो उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सेल पे नजर गया तो उसे दिखा क्या कि सेकंड वाला केस यानी कि सैलराइड वाला केस पे उसे ₹500 ज्यादा मिल रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ सेल, वो अमाउंट ऑफ सेल क्या है, ठीक आओ बात करते हैं। तो मैं क्या करता हूं ना कि पहला केस और सेकेंड केस के बीच में कंपेयर जब करूंगा तो इनिशियली मैं अमाउंट ऑफ सेल को 20,000 ही मानूंगा, क्योंकि 20,000 पे पैरामीटर सेट। अगर 20,000 का सेल होता तो पहला केस में सिर्फ क्या मिल रहा होता सेल्समैन को, 10% का कमीशन, 20,000 का कितना मिल रहा होता, 2,000 मिल रहा होता। बट सेकेंड केस में सिर्फ उसे अपना सैलरी मिल रहा होता, बोलो हाँ यार, क्योंकि 5% जो एक्स्ट्रा मिलना है वो तो तब मिलना है जब वो 20,000 से अधिक का सेल करेगा, और मैंने तो 20,000 का ही सेल करवाया। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि मैंने 20,000 ही क्यों माना, ठीक। अब कंपेयर करें अगर पहला केस के मुकाबले सेकंड वाला केस कितना एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहा है कमीशन, ₹2,000 एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहा है, बट मुझे तो ₹500 दिख रहा था, तो वो अमाउंट ऑफ सेल जरूर 20,000 नहीं है, कुछ और है। तो मैं ये मान लेता हूं कि एक सेल ऐसा है 20,000 के अलावे जिस पे ये सेकंड वाला केस पहले वाले केस के मुकाबले 2,000 नहीं बल्कि 500 ही सिर्फ एक्स्ट्रा दे रहा है। और उसको कैलकुलेट कैसे करें, देखो अगर 20,000 के अलावे और भी कुछ बेचा होगा, और भी कुछ का बेचा होगा, तो अब सिर्फ इस पे चर्चा करें अगर
सिर्फ इस पे पहला केस में कितना मिल रहा होगा 10%, और सिर्फ इस पे सेकेंड केस में कितना मिल रहा होगा 5%। बोलो हाँ यार, क्योंकि 4000 सैलरी तो मिल ही चुका है। अब जब जितना वो एक्स्ट्रा बेचेगा सिर्फ इन दोनों के बीच का कंपैरिजन चलेगा। तो 10% से 5%, यानी कि सेकेंड केस कितना कम दे रहा है, 5% कम। मुझे इसको डिक्रीज करते 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 वहां तक ले आना है जहां तक ये केस सेकेंड केस सिर्फ 500 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहा हो। यानी कि मुझे कितना से डिक्रीज करना है, तो मुझे 1500 रुपीज से डिक्रीज करना है मेरे भाई, 1500 रुपीज से डिक्रीज करना है। और ये 1500 रुपीज किसके बराबर होना चाहिए, फिर 5% के बराबर होना चाहिए। तो जिस समय 5% 1500 के बराबर हो जाने लगेगा, तब मुझे ये जो टोटल अमाउंट ऑफ सेल है वो पता चलने लगेगा। तो 5% जिसका 1500 है, तो उसका 100% कितना होगा, तो 1500 by 5 into 100, 5×3 यानी कि 30,000 इज द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट, यानी कि 20,000 से कितना अधिक बेचा होगा, 30,000 अधिक बेचा होगा। यानी कि वो सेल 20,000 का नहीं, बल्कि कितना का था, 50,000, 20,000 प्लस 30,000। वेरीफाई करें जब, अगर वेरीफाई, तो ये आपका पहला केस, ये आपका सेकंड केस। पहला केस में क्या हो रहा है, 50,000 का 10% मिल रहा है, यानी कि कितना मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है कमीशन। सेकंड केस में 4,000 रुपीज तो सैलरी मिल रहा है, प्लस जितना एक्स्ट्रा बेचेगा 20,000 से, कितना एक्स्ट्रा बेच रहा है, 30,000। 30,000 का 5% कमीशन भी मिलेगा। 30,000 का 5% मतलब 1500 रुपीज। यानी कि सेकेंड केस में सेल्समैन को कितना जाने लगेगा, 5,500। तो पहला केस में 5,000 और सेकेंड सैलरी वाला केस में 5,500, यानी कि कितना एक्स्ट्रा जा रहा है मेरे भाई, 500 रुपीज एक्स्ट्रा जा रहा है। वेरीफाई, आया बात समझ में, ठीक है। तो चलिए एक और नया क्वेश्चन लेके आता हूँ, उसको डिस्कस करता हूँ, आज की क्लास को खत्म करता हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के क्लास का लास्ट सवाल, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, अ कंपनी अलाउ 10% कमीशन ऑन टोटल सेल टू हिज सेल्समैन एंड 5% बोनस ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिफाइन भी कर रखा है, देखो कैसे, कि नेट प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट माइनस जो बोनस कंपनी सेल्समैन को दे रही है। If total sale is rupees 20 lakh and net profit is 2.1 lakh, find total earning of the salesman. ठीक है, चलो डील करते हैं। कुछ नया टाइप का है अब तक जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उससे। आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। एक कंपनी 10% कमीशन दे रही है ऑन टोटल सेल एंड 5% का बोनस दे रही है ऑन नेट, जहां पे नेट प्रॉफिट डिफाइन है टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी से बोनस को डिडक्ट करने के बाद, उसे नेट प्रॉफिट है। अच्छा, अब टोटल सेल है रुपीस 20 लाख का एंड टोटल प्रॉफिट है कंपनी का 2.1 लाख। फाइंड द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन। बहुत छोटा सा कहानी है, देखो 10% कमीशन ऑन टोटल सेल, तो टोटल सेल ही अगर 20 लाख है, तो सेल्समैन को 10% जा रहा होगा किसका, 20 लाख। तो 20 लाख का 10% यानी कि कैलकुलेट करें तो 2 लाख। ये एक तरीके का जो इनकम है सेल्समैन का वो तो पता चल गया, ये वाला। अब इसको कैलकुलेट करें कैसे, तो 5% बोनस ऑन नेट प्रॉफिट, 5% का मतलब होता है 1/20, 5% ऑन नेट प्रॉफिट। तो अगर मैं इसे नेट प्रॉफिट मान लूं, तो नेट प्रॉफिट का 5% दैट इज 1 जो है वो बोनस है। तो अगर एक यूनिट का बोनस है और 20 यूनिट का नेट प्रॉफिट है, यूजिंग दिस फॉर्मूला, एक यूनिट का बोनस
और 20 यूनिट का नेट प्रॉफिट, यानी कि टोटल प्रॉफिट इज, बोनस उधर जाएगा तो कितना, 21 यूनिट, यही है टोटल प्रॉफिट। यानी कि टोटल प्रॉफिट दैट इज 21 यूनिट जो है वो गिवन है 2.1 लाख, लाख मतलब 10 to the power 5, यानी कि 2 1 1 2 3 4 0, कितना रुपीज, 21 यूनिट। तो एक यूनिट कितना भाई, तो 21 4 0 by 21, यानी कि 10,000 रुपए, एक यूनिट 10,000, और उसे 5% का बोनस नेट प्रॉफिट का मिला है, दैट इज एक यूनिट मिला है, कितना 10,000 रुपए। तो जब ये वाला इनकम भी इसमें ऐड कर देंगे, ये तो हो गया उसका कमीशन पहला वाला। अब उसे बोनस जो मिल रहा है एक यूनिट का, दैट इज 10,000 रुपीज, उसको भी अगर ऐड कर दें, सेल्समैन का टोटल कमाई कितना होने लगेगा, 2.1 लाख रुपीज। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास में जो सारे पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कमीशन बेस पे हो सकता है मैंने आपके सामने रखा, अच्छे से समझे होंगे।